स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा प्लस में। तो इस कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो आज हम बात करेंगे एक्ने और पिंपल्स के बारे में, जिसको आयुर्वेद में युवान पिंडिका कहा गया है। ये पित्त दोष की वजह से होता है, जो कि पबर्टी में आपको यूजली होता है। और कुछ एक्ने होते हैं, जैसे सिस्टिक एक्ने, जो एडल्ट एक्ने होता है उसमें पित्त और कफ दोष दोनों दोष की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आज हम देखते हैं कि पिंपल के कॉसेस क्या क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सा डाइट, कौन सा एक्सरसाइज और कौन से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले पिंपल के कॉसेस को देख लेते हैं। पिंपल और एक्ने के जो कॉसेस है वो आपका हार्मोनल हो सकता है, कुछ मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, कॉस्मेटिक की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या तो आपके जेनेटिक प्रीडिपोजिशन की वजह से हो सकता है, या तो लीवर के एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकता है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक्ने को कॉज करते हैं। तो या तो आपका जो आप फास्ट फूड खाते हैं इसकी वजह से भी बहुत ही ज़्यादा एक्ने होता है। रिफाइंड ऑयल के यूज़ से बहुत अत्यधिक जो कमेडाउंस का फॉर्मेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तब भी आपको एक्ने और पिंपल्स की समस्या हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहला कदम आयुर्वेद के अनुसार हमें क्या उठाना चाहिए ताकि ये मुहासे जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो जो सबसे पहला हमारा कदम है वो हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और हमें पानी जो है वो गुनगुना पीना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना है। अब खाने की बात कर लेते हैं, तो हमें खाने में ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, क्योंकि इसमें एसेंशियल फैट्स बहुत होता है, जो कि आपके स्किन को रिपेयर होने में हेल्प करेगा और कोई भी नया कॉमेडन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा। आपको दालें खानी चाहिए, आपको वेजिटेबल खाना चाहिए, आपको फ्रूट खाना चाहिए। फ्रूट्स की बात करें तो आपको जितना मौसमी फल है वो खाना चाहिए, आपको अनार का जूस पीना चाहिए, बीट का जूस पीना चाहिए, जितने आयरन रिच फ्रूट्स हैं उनको तो ज़रूर खाना चाहिए। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, अभी आप गाजर खा सकते हो, उसमें विटामिन ए होता है जो कि स्किन रिन्यूअल के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है और ये एक्ने के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो आप गाजर खा सकते हैं। आपको बस एक बात का ध्यान देना है, आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें कम खानी हैं, या तो अगर आप छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब डाइट के बाद देख लेते हैं कौन कौन सा हमको आसन और प्राणायाम करना है। तो सूर्य नमस्कार मस्ट है। इसके बाद आपको प्राणायाम में कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम करना है, और आपको कुछ आसन करने हैं, जैसे कि आपको सर्वांग आसन करना है, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्ने हो रहा है उसके लिए सर्वांग आसन बहुत ही अच्छा है। आप कोबरा पोज कर सकते हैं, आप नॉर्मल एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे स्किपिंग है, डांसिंग है, स्विमिंग है, ये सब भी आपके मेटाबॉलिक रेट को सही करता है बॉडी के और एक्ने के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपना पिलो कवर हमेशा साफ़ रखना है, क्योंकि इसके वजह से भी एक्ने होता है कुछ लोगों को। अब जो मेडिसिन है वो देख लेते हैं। जो हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन में नंबर वन मेडिसिन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, वो है खदीरा रिस्ट। अगर आपको बैद्यनाथ का खदीरा रिस्ट मिलता है तो ये सबसे अच्छा है, और किसी कंपनी का आप ना लें। इसको आपको सुबह शाम 4-4 चम्मच पानी के साथ खाने के बाद लेना है। ऐसा करने से आपको 15-20 दिन में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखेगा अपने चेहरे पर। और दूसरी जो हमारी मेडिसिन है वो है पतंजलि का कायाकल्प वटी। इसे भी आपको लेना है सुबह और शाम, खाने से पहले 2-2 टैबलेट। अगर आप सुबह में इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो आप दोपहर और शाम में भी ले सकते हैं, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आपको ये दोनों दवाई लेना है। और तीसरी जो दवाई है वो है हमारा त्रिफला पाउडर। हाँ, ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगा और विटामिन सी और आयरन के डेफिशिएंसी को भी ये पूरा करेगा, तो ये आपको एक्ने फ्री बनाता है ऐसे। अब जो नेक्स्ट आयुर्वेद के अनुसार हम युवान पिंडिका के लिए कर सकते हैं वो है स्वेदन लेना। तो आपको स्टीम लेना है हफ्ते में कम से कम 2 बार। जब एक्ने कम होने लगे तो आप हफ्ते में 1 बार ही स्टीम लें।
और फेस पैक के लिए आप ऑरेंज पील पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है जो कि स्किन का रिनोवेशन करने में हेल्प करता है और एक्ने के फॉर्मेशन को रोकता है। और टर्मेरिक भी इक्वली इफेक्टिव है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, तो जो आपके एक्ने का जो बैक्टीरिया होता है उसको ये किल करता है और एक्ने के फॉर्मेशन को रोकता है। नेक्स्ट जो हम फेस वॉश, इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से आयुर्वेदिक फेस वॉश है। तो आप खादी का, हिमालया का और ये बॉडी शॉप का फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। ये सारे फेस वॉश काफ़ी अच्छे हैं। अब अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने हैं तो जितना मैंने बताया उतने में वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सीवियर एक्ने हैं और बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बेलेंस है जिसकी वजह से आपको बार बार एक्ने हो ही रहा है, तो आप आयुर्वेद के संशोधन कर्मों को करवा सकते हैं। आप लीच थेरेपी लेते हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है एक्ने में। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको जितना कुछ भी बताया, डाइट, मेडिसिन, एक्सरसाइज, सबको आप फॉलो करें और आप अपने आप को एक्ने फ्री बनाएं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।